हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों को दुर्गा पूजा की एडवांस में बहुत सारी बधाई हो कि आप लोग अपनी दुर्गा पूजा को बहुत अच्छे से एंजॉय करके मनाएं और मेरे साथ अच्छे अच्छे ड्रेस की रिव्यू देखें और साथ में चलिए जल्दी से कर लें परचेज, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 10 दिन हैं और आप कुछ भी ऑर्डर करके अपने पास मंगा सकते हो। तो चलिए अब देख लेते हैं मेरा सामान क्या है जो आज मैं दुर्गा पूजा के लिए मैंने पहला परचेस करा है। मेरी ऐसी बैक टू बैक वीडियोस आती रहेंगी कुछ अच्छे अच्छे क्लॉथ के साथ, जिन्हें आप बिल्कुल देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, गलत बातें नहीं करते हैं। तो चलिए दुर्गा पूजा के सबसे पहला जो कलेक्शन है, और फिलहाल मैं एक एक करके वो आपके पास वीडियो जाएगी, क्योंकि छोटी वीडियो बनेगी तो आपको देखने में मजा आएगा और साथ में ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। अगर आपको वही चीज़ देखना है तो आप उसे ही चेकआउट कर सकते हो या उसे देखोगे आप, और उसका साथ में मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, ताकि अगर आपको चेकआउट करना है तो आप बेझिझक वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बनारसी सिल्क वाला लहंगा जो एक श्री क्रिएशन की तरफ से है, और ये है प्रॉपर फ्लिपकार्ट से। तो आपको पता है कि फ्लिपकार्ट मुझे तो भाई बहुत पसंद आ जाती है, क्योंकि उसकी सारी क्लोथिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो भी मैं परचेस करती हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मैं कुछ ऐसा परचेस करूँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट के साथ रिव्यू दूँ जो मुझे भी पसंद हो, आपको भी पसंद हो, और वो क्वालिटी के साथ भी कोई समझौता हमें ना करना पड़े। तो ये है हमारा आज का वो प्रोडक्ट बोल लो, क्लॉथ बोल लो, कुछ भी चलता है। तो मैं आपको ये अब देख सकते हो, ये है इसका पूरा सेट, और इसमें हमें तीन चीज़ें मिलती हैं, लहंगा और इसके ये हमें सेमी स्टिच मिला है, और इसके ऊपर का जो क्लॉथ है उसका कपड़ा, और साथ में एक हमें दुपट्टा रिसीव हुआ है जो कि ओवरऑल सिल्क फैब्रिक में है। सो चलिए देखते हैं कि ये कैसा रिसीव हुआ है हमें। ओके अच्छा, तो सबसे पहले मैंने इमेज मैं यहाँ पर लगा दूंगी, साथ में मैं टाइटल के ऊपर भी आपको इमेज देखने को जो मिलेगा वहाँ से समझ जाओगे कि मेरे पास कौन सा लहंगा है। तो जो हमें यहाँ पर इसका ब्लाउज का कपड़ा रिसीव हुआ है वो क्या है, तो वो मैं आपको दिखाऊं कि जो कि है ये एक नेवी ब्लू कलर का है। ये आपको इसमें शायद वो अच्छे से ना समझ में आया कि नेवी ब्लू है एग्जैक्ट, बट ये एक नेवी ब्लू कलर का है जो कि बहुत ही खूबसूरत सिंपल, आप देखो सिंपल सी है बट बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा हाई फाई देखने से ही लग रही है। साथ में काफ़ी ज़्यादा ना लंबा चौड़ा है ये ब्लाउज, अगर आप थोड़े से हेल्दी भी हो तो भी आपको इसे बनवाने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। इसका अंदर की साइड से कुछ ऐसा है, और जो आपका बनकर ऊपर आएगा वो होगा ये वाला पार्ट, और ये ब्लाउज का मटेरियल जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, गुड क्वालिटी के साथ में। साथ ही में ये एक इसे आप सिल्क बोल सकते हो, पर ये सिल्क प्रॉपर सिल्क नहीं होगा, ये थोड़ा सा आपका यू नो है ये सिल्क, बट सिल्क की भी अलग अलग क्वालिटी आती है। तो बनने के बाद ये ओवरऑल बहुत खूबसूरत लगने वाला है ये क्लॉथ आप, और इसके साथ आप कोई भी और भी चीज़ वेयर कर सकते हो, क्योंकि इसका जो प्रिंट है ना बहुत ही क्यों ये लहंगे से मैच करता हुआ प्रिंट मुझे अब तक नहीं लग रहा है, और ये आप किसी भी साड़ी के साथ क्रॉप टॉप के साथ आप इसे वेयर कर सकोगे। और जो साइड में मॉडल ने पहना हुआ उन्होंने फुल इसे बनवाया था, तो अगर आप इसे फुल बनवाते हो तो भी ये आपको बहुत खूबसूरत लगने वाला है। इनफैक्ट फुल बनवाने से इसके जो प्रॉपर लुक है वो आपका बाहर आएगा। और इसके प्राइस की जहाँ तक बात है, तो इसके प्राइस है 999 रुपीज़, यानी कि 1000 रुपये में 1 रुपया कम, तो काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल प्राइस है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हम मार्केट में खरीदेंगे और हमें दुर्गा पूजा के लिए भाई कपड़ा चाहिए, और दुर्गा पूजा में तो हम सारे लोग एक से एक बढ़कर अच्छे अच्छे क्लॉथ पहनते हैं। दुपट्टा जो कि बनारसी दुपट्टा है, बनारसी सिल्क आप इसे बोल सकते हो, और ये है इसका दुपट्टा, और अगेन ये भी सेम कलर में है, गोल्डन एंड ब्लू। सो ये जो इसका जो पूरा कॉम्बो है, गोल्डन ब्लू सिल्वर, ये सारा यू नो कुछ मिक्स एंड मैच करके बना है, और बट जो कपड़े का मेन थीम है वो है नेवी ब्लू। सो चलिए दिखाते हैं आपको इसका दुपट्टा। सो दुपट्टा के साइड में आप देख सकते हो उन्होंने कुछ ऐसा प्रिंट है इधर साइड में, ये जो बीच है इसका, ये बहुत ही मुझे यूनिक लुक देगा आपको, और बिल्कुल फेस्टिवल वाला लुक देगा। तो ये जो बीच का पार्ट है, मुझे ये वाले प्रिंट बहुत खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल जो एक बनारसी एक सिल्क में जो पैटर्न चलता है कुछ वैसा ही ये भी पैटर्न है, और साइड में उन्होंने वापस फिर वही देके रखा हुआ है डिज़ाइन सेम। सो ओवरऑल दुपट्टा की भी मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, और वेयर करने पे कैसा लगेगा वो तो मैं आपको लास्ट लुक इसका दिखाई दूंगी। सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो है जैसे देखने के लिए आपके दिल में कुछ ऐसा 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 दिल में हो रहा था। चलिए दिखाते हैं आपको ये लहंगा। सबसे पहले इस लहंगा कि मैं कमर की बात करूं, तो कमर पे ये एक ऐसा इन्होंने पट्टी देखे रखा हुआ है। सो ये हो गई हमारे कमर की बात, और कमर की बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है ये मैं आपको बता दूं,
अगर आप थोड़े हेल्दी हो कमर के हिसाब से 35-36 तक हाट लिए जा सकता है, 36 से ऊपर वाले को ये थोड़ा सा टाइट हो सकता है। तो अगर आप, चलिए ये हो गया हमारा फाइनल लहंगा जो कि आपको दिखाऊँ। यहाँ पर इन्होंने ऊपर में जो इन्होंने दुपट्टे में पैटर्न दिया था वो सेम पैटर्न इन्होंने छोटे से डिज़ाइन में इधर बनाया हुआ है, और साथ ही में इसमें इन्होंने ये बहुत ही कलीदार लहंगा है। आप देखो इन्होंने यहाँ पर कुछ मतलब 10 पट्टी के साथ उन्होंने बनाई है, 5 पट्टी इधर है लगी हुई, और ये जो चीज़ होती है ये लहंगे में, ये लहंगे की शान होती है। मैं बताऊं कि जो ये घेर इन्होंने देखे यहाँ पर रखा होता है, ये ही हमारे लहंगे को कलीदार लहंगा बनाता है, और ये काफ़ी कलीदार मुझे लग रहा है। बट अभी तक मैंने इसे वेयर नहीं करा है तो मैं बता नहीं सकती। और साथ ही में आप नीचे की तरफ देखो तो कितना ब्यूटीफुल सा, कितना सोवर सिंपल सा इन्होंने लुक दे के रखा है कि आप इसे कहीं भी खासकर के फेस्टिवल में अगर आप पहनते हो तो आपके तो यू नो लुक में चार चांद लगने वाला है। सो ये है इसका नीचे का पट्टी, आप देख सकते हो नीचे पे कुछ ऐसा वर्क दे के रखा हुआ है जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है। आप देख सकते हो साइड में उन्होंने वापस एक नया डिज़ाइन इधर उन्होंने एक साइड में देखिए रखा हुआ है डिज़ाइन, क्योंकि अगेन ये भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, और साथ में इसके हर एक पार्ट के डिज़ाइन ने इसे ब्यूटीफुल बनाया है। आप देखो यहाँ पर उन्होंने सारा इन्होंने बस प्रिंटेड का काम दे के रखा है, बिल्कुल ये अलग से नहीं है, ये इसमें बिल्कुल अलग से इन्होंने नहीं दे के रखा हुआ है, ये ऐसा बड़ा बड़ा इन्होंने फ्लावर की डिज़ाइन पर इन्होंने दे के रखा हुआ है। सो मुझे ये लहंगा ओवरऑल अच्छा लग रहा है। साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि जो इन्होंने आगे लुक दे के रखा है वो सेम लुक इन्होंने पीछे भी दे के रखा है, और आप इसकी नीचे की पट्टी देखो कितनी ज़्यादा चौड़ी है, जो कि आप इससे समझ सकते हो कि आपका लहंगा में घेर कितना अच्छा आने वाला है। हाँ अगेन मैं एक बात और बता दूं कि इसमें कोई कैन इंक्लूड नहीं है, तो बिल्कुल आप ऐसा मत सोचना कि जो घेर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये इसी के हिसाब से रहेगा। अंदर से इसके डिज़ाइन की मैं कुछ बात करूँ तो इन्होंने एक कोई भी अलग से कपड़ा इधर देख नहीं रखा हुआ है, कि वही सेम कपड़ा, ये थोड़ा थिक कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा नहीं है। ये इसकी ब्लाउज़ की बात करूँ तो ब्लाउज़ की सॉफ्ट थी, बट ये लहंगा थोड़ा थिक क्लॉथ है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, और थिक क्लॉथ होने के कारण इसमें थोड़ा सा घेर भी है आप देख सकते हो। और साथ ही में इन्होंने एक यहाँ से एक अंदर से लाइन की लाइनिंग दी हुई है, बस ये दो कपड़ा इन्होंने एक अस्तर देके बस अंदर से रखा हुआ है, और इसमें कुछ नहीं है, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बहुत खूबसूरत आपको लुक देने वाला है, देगा ब्यूटीफुल लुक देगा, बट जो चीज़ उसमें इंक्लूड है मैं उतना ही बताऊँगी। मुझे कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं बनानी है और ना ही मैं बना रही हूँ, मैं अपने लिए परचेस कर रही हूँ, साथ में आपको मैं इसकी जानकारी दे रही हूँ कि मुझे कैसा रिसीव हुआ। सो ये थी कुछ ओवरऑल इसकी डिज़ाइनिंग, आप देख सकते हो बस ये है कुछ। एंड अब हम आपको इसको दिखा दें पूरी अच्छी तरीके से वेयर करके, ताकि आप इसे खरीदने के लिए, और या एक चीज़ मैंने आज बहुत अच्छी इसमें नोट करी है, इन्होंने साइड से इसे स्टिच करा के दिया है, बाकी जितने लहंगे वगैरह आते हैं वो सेमी स्टिच आते हैं, वो इस साइड से खुले होते हैं, बट ये ऐसा नहीं है, ये इधर से टोटली स्टिच है। साथ में उन्होंने यहाँ पर एक जिप दे रखी हुई है, या ओवरऑल आपका जो स्कर्ट है वो टोटली ओके होके आता है। साथ में आपको इसके साथ एक ये इसकी डोरी रिसीव होती है, जो आप यहाँ से ऐसे लगा कर ऐसे ओके कर सकते हो। सो यू नो मतलब इन्होंने कोशिश करी है कि लहंगे को लगभग लगभग आपको ओके दिया जाए, बस आपको इसके ब्लाउज को स्टिच कराना है और आप कहीं भी इसे वेयर कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं इसका फाइनली फुल लुक कैसा होता है। कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ पसंद आया होगा तो ही लाइक करिएगा, ऐसा नहीं है, मेरे को दिल से कनेक्ट होना है, सब्सक्राइबर बढ़ा के मुझे को मतलब नहीं है, व्यू जब तक नहीं आते आपको लोग देखना पसंद नहीं करते, आपकी चीज़ें लोगों के लिए हेल्पफुल नहीं हो रही तो कोई प्रॉफिट नहीं बनता। सो देख लीजिएगा, और अगर पसंद आया होगा तो दबाते हुए जाइएगा बेल आइकन को। बाय बाय।